अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सिलसिला खाने का। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी पास्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 200 ग्राम पास्ता है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे उबाल लेंगे सॉफ्ट होने तक। उबल गया है, अब इसका हम पानी निकाल देंगे। हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज की अनियन, हाफ इसमें बारीक बारीक काट के, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। पेस्ट नहीं है, दरदरा पिसा हुआ है। देखिए प्याज हमारी हो गई है, हमें कुछ भी एकदम ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। ये 4 टमाटर की प्यूरी है, इसे हम डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर। इसे हम हल्का सा भून, टमाटर पकने तक भून लेंगे। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक भी डाल देंगे। 1/4 स्पून इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे। अब इसमें हम हमारे बॉयल पास्ता डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1 कप दूध। टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी। 2 से 3 क्यूब है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी डाल देंगे। ये चीज क्यूब है, 2 से 3 है, मैंने इसे डाल दी हूँ कद्दूकस करके। अब अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है। इसमें हम देसी तड़का देंगे धनिया डाल के। अब इसको हम अपनी प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए हमारा मैक्रोनी पास्ता तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं और अपने बच्चों को खुश कर दें। ये ऐसी रेसिपी है जो झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है और बच्चे इसे बहुत प्यार से खाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।